जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं, गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए, ये योजना इसके लिए मिल का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे
क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे ना सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकालकर ही रहूंगा और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से आयुष्मान मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते दशक में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही का यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है।